शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आइए देश के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को समर्पित मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़कर अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करें और जानें कि ये अभियान आखिर है क्या। स्वयं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रिंसिपल श्रीमती जैस्मिन जोशी की अध्यक्षता में GM SSS 10 चंडीगढ़ में भी की गई। इस अभियान के अंतर्गत स्कूल प्रांगण में कई तरह के पौधों को लगाया गया और पौधों को माननीय प्रिंसिपल श्रीमती जैस्मिन जोशी द्वारा बच्चों को भी बांटा गया। स्कूल में स्पेशल असेंबली का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा गाए गए देशभक्ति के गीतों ने इस स्पेशल असेंबली को 4 चांद लगा दिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। मेरी मिट्टी मेरा देश विषय को आधार बनाकर देशभक्तों के पोर्ट्रेट्स, पोस्टर्स और स्लोगन बनाए। स्कूल में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया जहां अध्यापक एवं विद्यार्थियों ने फोटोग्राफ्स ली। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अलग अलग स्टेट्स के रूप में फैंसी ड्रेस में भाग लिया। बच्चों एवं अध्यापक गणों ने देश के विकास में हिस्सा लेते हुए 5 प्रण की प्लेज ली। कोई